ईवीएम से ही बेईमानी है, ईवीएम हटाओ। जब भी कोई सरकार बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं क्या लग रहा है? फिर भी किसकी सरकार लग रही है? उसी की लग रही है, इतना ईवीएम ना हटेगी। ईवीएम ना हाँ, ना तो फिर तो योगी की आप कह रहे हैं। हाँ और क्या करें बताओ, जब बेईमानी चले सरासरी तो फिर कौन आएगा? अगर ईवीएम हट जाता है हाँ, तो क्या लग रहा है किसको? ईमानदारी से वोट गिरवाएंगे और गैला गैल गिनवाएंगे दो एक दिन में, तो सब कुछ सही रहेगा। बनिया पंडित ठाकुर तीनन की सरकार रहेगी, इतना डूबा रहेगा देश। तो किसकी बना? बन नहीं सकती। तो बननी किसकी चाहिए? बननी अच्छे आदमी की चाहिए, जो सही आदमी है। अच्छा, ये तो अपना पेट भरने वाले हैं। अच्छा आदमी कौन? हाँ ये तो गलत आदमी है, सही नहीं है। नजर में अच्छा आदमी कौन है? अरे अखिलेश को घेरो, मायावती को घेरो, जो सही है। पार्टी तो बहुत बढ़िया, लेकिन कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए। क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो फायदा होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, फायदा होगा। तो वोट किसको डलेगा? अगर आप आई तो आपको देंगे। इस बार आम आदमी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी को क्यों लाइक कर रहे हो? ये अब की बार आम आदमी को इसलिए लाइक कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ मुरादनगर विधानसभा में, गाजियाबाद में, जहाँ पे लगातार विधानसभा चुनाव का सर्वे हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को दिखाया जा रहा है। इस बार SP, BSP, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी टकराव है। देखते हैं किसकी सरकार इस बार यहाँ पे बनेगी। दिल्ली के लोग केजरीवाल के फैन हैं तो यहाँ के लोग, अधिकतर लोग योगी के फैन हैं, लेकिन इस बार जो आप लोगों को यहाँ पे माहौल दिखेगा, आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। क्या यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी, अपने विधायक यहाँ से चुन पाएगी कि नहीं, ये फैसला जनता करेगी। फिलहाल यहाँ पे ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी SP और आम आदमी पार्टी के बीच में जो दंगल यहाँ पे छिड़ा हुआ है तीनों पार्टियों के अंदर, उनके बीच कौन ये दंगल जीतता है? क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आएगी इलेक्शन में? ये मैं कैसे कह दूँ, मैं तो कहूँगा तो BJP आएगा जी। BJP आएगी? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, काम किया है देश में। आम आदमी पार्टी आने की सोच रही है और अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली की बात करी है। कुछ भी होगा नहीं आएगा, उसका वोट ना है इधर जी। BJP के अलावा कोई भी ना है जी बाबू, सिर्फ BJP। BJP सरकार तो मेरे ख्याल में तो BJP की आएगी। क्या BJP के विधायक सुख दुख में यहाँ पे गली मोहल्ले में कभी दिखते हैं? ये नाली पूरी बंद पड़ी है, दिखते क्या देख लो पूरी, तुम अपने आप कैमरा लगा के देखो, ये सभी नाली बंद है, ये बंद है, ये पानी भर रहा पड़ा। कोई नाली बंद पड़ी है और कैंडिडेट BJP का है वो दिखता नहीं है, फिर भी वोट BJP को, ऐसा क्यों? बस माहौल इस तरह का ही है भैया, इस तरह का माहौल है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा किया है, अगर उनकी सरकार आती है तो आपको ना भैया, उनसे बेस्ट तो कुछ है नहीं। तो फिर जब उनसे बेस्ट कोई नहीं है तो वोट BJP को क्यों? उनका कैंडिडेट देखेंगे कौन कैंडिडेट आएगा। पार्टी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कैंडिडेट भी तो अच्छा होना चाहिए। क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो फायदा होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, फायदा होगा। तो वोट किसको डलेगा? अगर आप आई तो आपको देंगे। क्या लग रहा है जी, इस बार सरकार जो सर्वे चल रहा है हमारे चैनल के द्वारा, आप लोग किसको चाह रहे हैं? हम तो आम आदमी को चाह रहे हैं। क्यों? आम आदमी बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी, पानी फ्री दिल्ली में, बिजली का बिल फ्री, बढ़िया आदमी। 4 महीने रह गए चुनाव को, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इस बार आम आदमी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी को क्यों लाइक कर रहे हो? ये अब की बार आम आदमी को इसलिए लाइक कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे, और इस बार हम आम आदमी को पार्टी को वोट देंगे। जिस तरह दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, बसेस फ्री हैं, यात्रा फ्री हैं, तो क्या लग रहा है यूपी के अंदर भी ये फ्री सरकार चाह रहे हो? हाँ फ्री, यहाँ पर भी यूपी में ऐसी होनी चाहिए जैसे दिल्ली में हुआ है। एक सारी जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं और सड़कें इतनी अच्छी हैं और सेफ्टी है महिलाओं की सबसे पहले, और बसें सबके लिए फ्री हैं, तो ऐसी होना चाहिए यूपी में भी। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है चुनाव की रणनीति क्या है, कौन सी सरकार आएगी? जो आ जाए वो अच्छी है। फिर भी एक आपका वोट किसको डलेगा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को क्यों लाइक कर रहे हैं, ऐसा क्या है? सब चीज़ फ्री है। सब चीज़ फ्री है, फ्री की सरकार चाहते हो? तो ये जो अभी योगी जी हैं, इनके द्वारा जो सरकार चल रही है, वर्तमान विधायक BJP का है, तो इन्होंने कुछ काम किया है? भाई इतनी मुझे नॉलेज ना। सरकार कौन सी चाहते हो? अरे भाई इधर सरकार भैया पता ना कौन सी आवे, वो तो परवाले को पता। क्या लग रहा है आम आदमी क्यों?
भाई सुविधाएं बहुत कम हो चुकी है, दिल्ली में बहुत सुविधाएं चल रही हैं। अब बिजली का बिल भी फ्री है, पानी भी फ्री है, सब चीज़ की फ्री है। और जो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जितना लॉकडाउन में किराया भी कम कराया और महिला भी फ्री है, मतलब वो सब चीज़ की सुविधाएं कर रहे हैं। यूपी में भी केजरीवाल ही आने चाहिए। यहाँ से जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के खड़े होंगे, जो भी होंगे, तो उन्हीं को जिताओगे? हाँ बिल्कुल, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। कोई भी हो, आम आदमी होना चाहिए। योगी क्यों नहीं? योगी अब देखो गरीबों को तो बहुत और गरीब बना दिया है। क्या लग रहा है इस बार जो वर्तमान स्थिति है यहाँ की, विधायक बीजेपी का है लेकिन लोग बता रहे हैं वो दिखता ही नहीं है, तो क्या लग रहा है किस कौन सी सरकार इस बार जीतेगी? देखो जी, इस वक्त तो ये आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों? अब जैसे दिल्ली में कुछ कराया उसने, मतलब बिजली और ये पानी, तो ऐसे यहाँ हो जावे तो कुछ फायदा ही होगा। कोई भी लड़े व्यक्ति आम आदमी पार्टी से, लेकिन वोट आम आदमी को ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो केजरीवाल के चेहरे पे वोट डालोगे या कैंडिडेट के? अब केजरीवाल के अनुसार जो भी खड़ा होएगा उस पर डलेगी, जो भी खड़ा होगा उस पर डालो। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या रुझान है इस बार? भाई साहब रुझान तो सही है, आजकल आदमी गरीब आदमी क्या कर रहा, महंगाई तो मर रहा, तेल वो महंगा, दाल वो महंगी, रोटे वो महंगी, आम आदमी क्या करेगा? जहाँ सहयोग मिलेगा, बिजली पानी और टैक्स वगैरह जहाँ सहयोग मिलेगा आदमी उधर भी जाएगा। क्या लग रहा है, क्या सरकार किसी की हो, पर जो जो इतनी सुविधा देगा तो वहीं जाएगा। वोट किसको डालेगा? आपका क्या उसको देंगे, आम आदमी पार्टी को? आम आदमी को क्यों? पर थोड़ा सा उसकी दिखाई दे रहा है कि हाँ सही कर रहा हो गरीब आदमियों के लिए। बीजेपी को? आपका बीजेपी कोई नहीं देगा जी वोट, हमारा परिवार दे देना। ईवीएम से ही बेईमानी है, ईवीएम हटाओ, जब भी कोई सरकार बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं। क्या लग रहा है फिर भी किसकी सरकार लग रही है? उसी की लग रही है, इतना ईवीएम ना हटेगी। ईवीएम ना हाँ, ना तो फिर तो योगी की आप कह रहे हैं। हाँ और क्या करें बताओ, जब बेईमानी चले सरासरी तो फिर कौन आएगा? अगर ईवीएम हट जाता है हाँ, तो क्या लग रहा है किसको चाहते? ईमानदारी से वोट गिरवाएंगे और गहला गहल गिनवाएंगे दो एक दिन में, तो सब कुछ सही रहेगा। अगर उसकी कोई सख्ताई होगी जब गेरने को, तो भैया अलग ही गेरेंगे सब, पर धप्पा वही जाएगा इसको। केजरीवाल पे कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ चाहे किसी पे गेरेंगे, वोट वही जाएंगी। क्यों ईवीएम? क्या लग रहा है जी किसको वोट जाएगा? सब्जी भी महंगी, केजरीवाल को। ऐसा क्यों? केजरीवाल को क्यों दोगे वोट? क्यों देंगे, जब सही वो करेगा सब चीज में, मंदी सही है, जनता परेशान हो रही है, जब महंगाई हो रही है तो क्या करते हैं? पार्टी चेंज होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, केजरीवाल यूपी में आने चाहिए। हाँ बुलाएंगे हम जरूर। बनिया पंडित ठाकुर, तीनन की सरकार रहेगी इतना डूबा रहेगा देश, तो किसकी बना? बन नहीं सकती। बननी किसकी चाहिए? बननी अच्छे आदमी की चाहिए, जो सही आदमी है। ये तो अपना पेट भरने वाले हैं। अच्छा आदमी कौन? हाँ ये तो गलत आदमी है, सही नहीं है। नजर में अच्छा आदमी कौन है? अरे अखिलेश को घेरो, मायावती को घेरो, जो सही है। किसकी सरकार लग रही है यूपी में? सरकार के लिए से लग रही है भाई यूपी में। किसकी? अखिलेश की। अखिलेश की क्यों है? क्यों? मोदी सरकार से परेशान है लोग, योगी से परेशान है लोग, तेल महंगा, चीनी महंगी, चावल महंगा, खाने को नहीं मिलता। मोदी योगी से परेशान है लोग, आम आदमी पार्टी यहाँ का विचार सोच रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा, तो आम आदमी की सरकार आती है तो क्या वोट नहीं डलेगा? डलेगा, क्यों डलेगा? तो किसको वोट डलेगा? वोट अखिलेश को देंगे। अखिलेश को जी।